सभी दोस्तों का नमस्कार। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन में गिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हम लोग किसी के लाइव पर जाते हैं ना, तो कैसा ऐसा इंटरफेस खुलता है और जब होस्ट लाइव होता है तो उसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉइन गिफ्ट कर सकते हैं। पर क्या दिक्कत है कि जब हमारे पास जब होस्ट लाइव में नहीं होते हैं तो ऑफलाइन में गिफ्टिंग कैसे करते हैं वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास एक आइडिया ही है इसको, उसकी क्वाइन थोड़ी सी गिफ्ट करने हैं, तो मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ आईडी को। ठीक है, जैसे ही सर्च करूँगा तो आईडी आ जाएगी। ठीक है, इस आईडी को, ये आईडी 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले लाइव थी, तो इनको हमको सपोर्ट करना है। तो कैसे सपोर्ट करेंगे तो ध्यान जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो इसका टाइमिंग दिख रहा है ये, तो टाइमिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए आईडी ऐसे आएगा। और जैसे ही हम लोग टाइमिंग पर क्लिक करेंगे तो टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद आईडी ऐसी खुल जाएगी कि होस्ट ऑफलाइन है। तो क्या करना है, यहाँ पर कट का निशान आपको दिखेगा तो कट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो हम उसकी ऑफलाइन में घुस चुके हैं और यहाँ से हम जितना चाहें उतना सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है और आप भी इसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हो किसी को भी ऑफलाइन में जाकर। तो अभी मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ से कितनी भी सेंडिंग करना चाहें उतनी सेंडिंग हो सकती है बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो में बता दीजिएगा, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और यहाँ पर आपका गिफ्ट यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, ऑफलाइन में भी आप गिफ्टिंग कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो आपको अच्छी थोड़ी सी भी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।